हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ चल रही होगी। सो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है IDBI बैंक की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके लिए अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ एग्जाम की पैटर्न और प्रीवियस ईयर कट ऑफ सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। As I told you friends कि IDBI में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो आपका 600 सीट पे ये वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। बम्पर नंबर की वैकेंसी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम लोग कैटेगरी वाइज सीट देख लेते हैं। जनरल के लिए रखा गया है 243 सीट, OBC के लिए 162, EWS के लिए 60 एंड SC के लिए 90 सीट्स पे यहाँ पे वैकेंसी आई है। ST के लिए 45 सीट्स है। रही बात फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 15 ऑफ सितंबर 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 सितंबर 2023। आपको 30 सितंबर का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो आप फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। बाद में ना सर्वर इशू की वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। चलिए मैं बता देती हूँ फॉर्म की फ़ी क्या रहने वाली है। जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 1000 रुपीज़, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप से लिया जाएगा 200 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनको जनरल OBC EWS को अगर 1000 रुपीज़ लगेगा तो वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगी तो उनको देना होगा 1000 रुपीज़ या 200 रुपीज़। उस चीज़ को एक बार नोटिफिकेशन में आप अच्छे से देख सकते हो। चलिए बता देती हूँ एज लिमिट क्या रखा गया है। सबसे पहले तो आपका एज कब से कैलकुलेट होगा, तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 31 अगस्त 2023। 31 अगस्त 2023 के अनुसार अगर आपका मिनिमम एज 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रखी गई है। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर टू स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर ऑनलाइन टेस्ट, विच मीन्स कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ना पास करना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देन होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फ्रेंड्स आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम की पैटर्न को समझ लेते हैं। 200 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका 200 मार्क्स के लिए। टाइम मिलेंगे आपको 2 आवर्स के। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4, यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। उसके बाद लास्ट सेक्शन होता है आपका जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के, ओवरऑल मिला के 60 क्वेश्चन आपको 60 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम की सेंटर कहाँ रहेगी, तो एग्ज़ाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। इसका IBPS के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है पेपर। तो IBPS आपको नियर बाई जो आपका स्टेट है वहाँ का सेंटर होता है, नियर बाई सिटी देख के आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। रही बात जॉब लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। आप जिस जोन के लिए अप्लाई करोगे जॉब की लोकेशन आपको वहीं मिलेगी जहाँ आप अप्लाई करोगे। फ्रेंड्स एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है। 1 ईयर का होता है ये।
और ये प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि आपको रखा गया है, ट्रेनिंग दी जा रही है, बाद में बैंक आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये सोचेगा कि अगर आपको आगे रखना है कि नहीं रखना है। तो ये थोड़ा सा मतलब गौर करने वाली चीज है कि इसको आप एग्जाम पास करके, इंटरव्यू पास करने के बाद जब वहाँ जाते हो तो आप स्टाइपेंड वे में वहाँ पे वर्क करते हो। जब आपका वन ईयर का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि बैंक आपको आगे रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो ये चीज थोड़ा आप नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार पढ़ लेना खुद से, ताकि कुछ दिक्कत आगे आपको फेस ना करना पड़े। रही बात सैलरी की, तो सैलरी इसमें अच्छा खासा मिलता है। इनिशियली आपको 36,000 की सैलरी दी जाती है, बाद में पर्क्स एंड अलाउंसेस प्लस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 63,840 हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता देती हूँ कि पिछले साल जो वैकेंसी आई थी उसका आपको अप्रैल 2023 में कट ऑफ आया था। जो एग्ज़ाम की कट ऑफ है मैं आपको बता देती हूँ। कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो जनरल के लिए आउट ऑफ 200, मतलब 200 नंबर का आपका जो ये पेपर हुआ था उसमें जनरल का कट ऑफ गया था 29.50, ओबीसी का कट ऑफ था 29.50, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 29.50, एससी कैंडिडेट्स के लिए 13.75 था, एसटी के लिए 29.50 था, और आपका ये OH के लिए 17, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 34.75, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 18.75, MD और ID के लिए आपका 27 आपका कट ऑफ गया था। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई ओवरऑल कट ऑफ की बात, कि 200 नंबर में से कितना नंबर पे आपने अगर ले आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें बैंक के जो भी पेपर होते हैं ना उसमें सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ रहता है। तो चलिए हम लोग 2023 का वो कट ऑफ भी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि रीजनिंग में 60 मार्क्स का आपका होता है, उसमें से 1 मार्क्स का आपका कट ऑफ गया था। इंग्लिश 40 मार्क्स का होता है, उनका 3 मार्क्स कट ऑफ गया था। मैथमेटिक्स का आउट ऑफ 41 मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ गया था। जनरल अवेयरनेस आउट ऑफ 60 आपका 4.25 इन कैटेगरीज के लिए कट ऑफ गया था। रही बात जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए फ्रेंड्स, तो रीजनिंग के आउट ऑफ 60 4.25 सेक्शनल कट ऑफ था, इंग्लिश के आउट ऑफ 47.75 मार्क्स का कट ऑफ था, मैथमेटिक्स के आउट ऑफ 43 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ था, जनरल अवेयरनेस के आउट ऑफ 67.25 का सेक्शनल कट ऑफ था। तो ये कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा कम गया था, बट ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ, ये एक ऑफिशियली मैंने डेटा निकाला है वहाँ से आपको बताया। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि मैं 30 नंबर ले आके ही पास हो जाऊँगी, सेक्शनल कट ऑफ इतना कम गया था। आप अपनी तैयारी अच्छी रखो ताकि कट ऑफ चाहे जो भी जाए आप उसको पार कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं जो सच्चाई है वो आपको बता दे रही हूँ। आप क्या मेहनत करोगे ये आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको जॉब लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए, आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं IDBI असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ पर भी जाके आप फॉलो कर लेना, क्योंकि इस जॉब की जो नोटिफिकेशन है उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ पर ईजिली देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पे सेट कर दो ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए। तो मिलूंगी फिर से किसी न्यू गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।